हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ यूज़फुल हैक जो कि किचन और होम से रिलेटेड होंगे। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज रखने और नीट एंड क्लीन रखने में काफ़ी हमारी ये मदद करेंगे। इन छोटे छोटे आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अपनाकर हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक आरामदायक बना सकते हैं। वेलकम टू माई चैनल ट्राई विद तान्या में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो कुछ इस तरह के आटे के बैग हैं, जिनको फेंकने के बजाय हम इनका रीयूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हमारे काम में आते हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ इस तरह के बैग का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिससे मैंने इसमें आपको बॉक्स बनाना इसका सिखाया था। अब देखिए, इसको ना आटे के बैग को तीन साइड से कट कर लेना है। ये देखिए, ये थिक प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इसको आप कटिंग करके अपने ड्रॉर के अकॉर्डिंग इसको बिछा सकते हो। और देखिए, मैंने इसको तीन साइड में कट कर लिया और कट करने के बाद देखिए अच्छे से इसको हम साफ कर लेते हैं। और अब देखिए, जब हम रोटी बेलते समय इसको काउंटर टॉप में कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, जिससे हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और हमें बार बार इसमें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा यूज़ देखिए, जब हम सब्जी को कट कर रहे होते हैं तो इसका यूज़ किया जा सकता है, जिससे हमारा काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा। इसी के साथ मैं आपके साथ एक टिप और शेयर करती हूँ। देखिए, कुकिंग में प्याज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इन्हें पहले से ही छील कर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और ये कम से कम 3-4 दिन तक तो ख़राब होने वाले नहीं हैं। और हाँ, जब इसको पील करके हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं तो चॉपिंग करते समय ये हमारी आंखों में भी नहीं लगेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया सा टिप है। और इसी तरीके से आप अदरक और लहसुन को पील करके भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ कर लो। इस तरह की आर्टिफिशियल एयरिंग हम सभी के पास होते हैं, लेकिन होता ये है कि इनको बार बार यूज़ करने के बाद इनके जो पेंच होते हैं ना, वो लूज़ हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। एंड मौके पर जब हमें इन्हें किसी ओकेज़न में वेयर करना हो तो एक हमारे लिए टेंशन सी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सा एक हैक शेयर करती हूँ, जिससे हमारी प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्लू की स्टिक। ये देखिए, बस इसमें हमें एक पतली सी स्टिक को कट कर लेना है। ये हमारे पेज के काम में आ जाएगी और इयररिंग्स की जो प्रॉब्लम होगी वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर करती हूँ। तो जो थर्माकोल के जो पीसेस होते हैं ना, उसमें आप इस तरह से अपनी इयररिंग्स को रख सकते हैं। थर्माकोल की जगह जो पैकेजिंग वाली फोम होती है उनका भी यूज़ किया जा सकता है। अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी रखने में ये काम में आते हैं। एक तो ये आपस में मिलते नहीं हैं और सामने से भी हमें दिख जाते हैं, मतलब इन्हें हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता। प्लास्टिक के जो वेस्ट बॉक्स होते हैं उनमें हम थर्माकोल के पीसेस को उसी साइज़ के पीस को कट करके हम अपने इयररिंग्स कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और ये देखिए, जो भी छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं हमारे घर में, उनको भी फेंकना नहीं चाहिए, उनका रीयूज़ कुछ इस तरीके से कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स है उसका भी DIY मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो देखिए, मैंने उसको भी इस तरह से अरेंज कर दिया। अक्सर मिक्सी का यूज़ हम अपनी किचन में डेली ही करते हैं, तो होता यह है कि जो मिक्सी के जार को यूज़ करते करते इसके जो ब्लेड होते हैं ना, वो घिस जाते हैं। आप देखोगे कि कभी कभी हमारा जो भी मसाला होता है वो ज़्यादा बारीक नहीं पिस पाता है। तो इसके लिए मैं एक टिप शेयर करती हूँ। तो आपको क्या करना है कि नमक लेना है, जो भी आप अपने खाने में यूज़ करते हो। तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसका यूज़ किया है। तो मैंने इस तरह से ना जार में डालकर इसको कम से कम 3-4 बार इसको चला लिया और इसको
फिर आप देखोगे कि ब्लेड जो होंगे ना वो आपके तेज़ धार के हो जाएंगे, और जब भी हम कोई मसाला या कोई भी चीज़ इसमें पीसते हैं तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो आप इस टिप को खुद जब यूज़ करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि ये टिप कितना इफेक्टिव और यूज़फुल है। नेक्स्ट आइडिया देखिए फ्रेंड्स, हम अपने फ्रिज में काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो सब्जी रखें, फ्रूट रखें या फिर ढेर सारा सामान अपने हिसाब से रखते हैं। पर होता क्या है कि ज़्यादातर गर्मियों में महसूस करते हैं कि इस फ्रिज से स्मेल सी आ रही है, पर पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ जो मैं अक्सर खुद भी यूज़ करती हूँ। तो करना क्या है कि आपको लेना है मीठा सोडा, यानी जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो कि अक्सर हमारे घर पर होता है, क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं, ये हमारी क्लीनिंग बेकिंग में बहुत काम आता है। तो बस आपको किसी शीशी में इस तरह से फ्रिज में इसको रख लेना है, लेकिन इसको खुला रखना है, शीशी में कोई भी कैप नहीं लगाना है। आप इस बेकिंग सोडा को फ्रिज में इस तरह से रखोगे तो अगर आप रात में रख रही हो तो आप सुबह खुद महसूस करोगे कि कोई भी स्मेल कहाँ हमारी चली गई। और ये एक ट्रिक जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसको आप एक बार क्या, आप इसको हमेशा ही यूज़ करोगे इस तरह से फ्रिज में, तो आपको स्मेल कहीं से भी नहीं आने वाली हमारे फ्रिज में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अक्सर हम अपने किचन में मिक्सी का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रोज़ ही मिक्सी का यूज़ किया जाता है। जब भी यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम सभी इसको अच्छे से साफ़ भी करते हैं। ऑब्वियस है कि इसको साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारा साथ देना है। तो आप भी शायद मेरी तरह ही काउंटर टॉप में इसको रखना पसंद करते हो, क्योंकि इसका यूज़ ही इतना होता है। अगर इस तरह से काउंटर टॉप में रखी रहेगी तो उसके लिए मैंने मिक्सी की साइज़ का कवर बनाया है, जिससे ये होगा कि मिक्सी में डस्ट नहीं लगेगी और जो किचन जो होगी वो हमारी और भी देखने में सुंदर लगेगी। तो ये मिक्सी का कवर बनाने का तरीका मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको चेक ज़रूर कर लेना। तो इस तरह से आप भी मिक्सी का एक कवर बनाकर इसको इस तरह से रख सकते हो। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, एक और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो हमारे घर के स्विच बोर्ड होते हैं उसको भी हम अक्सर नीट एंड क्लीन करते रहते हैं, जैसे हम अपने घर की और चीज़ों को करते हैं। तो उसके लिए साफ़ करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है नेल रिमूवर, जिसे हम अपनी नेल पॉलिश वगैरह क्लीन करते हैं। देखिए, हम लेडीज़ के पास ये नेल रिमूवर तो होता ही है, तो बस करना क्या है कि आपको थोड़ा सा नेल रिमूवर कॉटन में लिया या फिर कोई कपड़ा ले लो जिससे आप उसको साफ़ करना चाहते हो, तो बस इसको लेकर स्विच को इस तरह से साफ़ कर लेना है। और ये देखिए, कॉटन में हमारी डस्ट जो है हमें दिखाई नहीं देती है वो भी आ गई, और जो स्विच के बीच वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पर हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते, तो आप उसको यूज़ करो, आप ईयरबड ले लो, ईयरबड का यूज़ करो। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, इससे हमारे जो घर के स्विच बोर्ड इतने बढ़िया से साफ़ हो जाएंगे और अलग से ही इसमें शाइनिंग आ जाती है। और देखिए, इसी तरीके से सेम अपने घर के जितने भी रिमोट वगैरह हैं तो आप उसको भी इसी नेल रिमूवर से साफ़ कर सकती हैं। और ये देखिए, पहले कॉटन से अच्छे से साफ़ कर लिया, और ये जो छोटे छोटे बटन हैं जिसमें हम ईयरबड की हेल्प से साफ़ कर लेते हैं, और ये देखिए जो डस्ट हमें दिखाई भी नहीं देती वो भी देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि नज़र आ रही है। तो है ना बढ़िया सी टिप। तो चलिए फ्रेंड, आ गए हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।